सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के लिए शुक्रवार को दीवानी कचहरी में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें प्रत्याशियों ने पूरे जोश के साथ अपना नामांकन किया, जिसके संबंध में चुनाव अधिकारी शरद चंद दीक्षित ने बताया कि नई कार्यकारिणी के लिए पहले दिन शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए 6, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 2, मंत्री पद के लिए 5, उपाध्यक्ष पद के लिए 3, कोषाध्यक्ष पद के लिए 6, संयुक्त मंत्री पद के लिए 2, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय के लिए 2, संयुक्त मंत्री प्रकाशन के लिए 1, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 6, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 4 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि नामांकन 19 सितंबर तक शाम 4 बजे तक होगा, 9 अक्टूबर को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चुनाव अधिकारी शरद चंद दीक्षित ने कहा, राधेश्याम पांडे, नामांकन पत्र प्रत्याशियों का शुरू हुआ है, कल भी जारी रहेगा। 21 तारीख की स्क्रूटनी होगी और 23 तारीख तक विड्राल का समय दिया गया है और चुनाव 9 अक्टूबर 2020 को होगा। और उसी अभी तक 2-4 लोग रसीद कटा कर ले गए हैं और अध्यक्ष मंत्री की काउंटिंग जो है 9 अक्टूबर को ही कर दिया जाएगा। शरद चंद दीक्षित, आज जो है अध्यक्ष पद के लिए 6, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 2, मंदिर पद के लिए 5, उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर 4, उपाध्यक्ष 10 वर्ष से नीचे 3, कोषाध्यक्ष 6, संयुक्त मंत्री 2, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय 2, संयुक्त मंत्री प्रकाशन 1, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य 6, कनिष्ठ कार्यकारिणी 4। इतने लोगों ने प्रत्याशी भरा। नामांकन कब तक चलता रहेगा? कल तक चलेगा। कल 10 बजे से 4 बजे तक।